हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लॉकडाउन के समय अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप ऑनलाइन मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग और मोबाइल ईएमएमसी कोर्स की रिपेयरिंग या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास से अगर लगता है कि आप जो है सीख सकते हैं अच्छे तरीके से, तभी आप मेरा इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम आपको एक जो है ओप्पो का जो फोन है उसको अनलॉक करके दिखाने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक ओप्पो का जो है मोबाइल है और उसमें जो है पासकोड जो है लगा हुआ है, कोड जो लॉक लगा हुआ है इसके अंदर। कोई भी कोड डालते हो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसका मॉडल नंबर क्या है और इसको हम किस तरीके से जो है यूएमटी डोंगल से इसको अनलॉक करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से। ओके, अगर इसमें एफआरपी भी लॉक है तो आप उसको भी हटा सकते हो। ओके, तो कैसे करना है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा आखिर तक। तो पहले हम इसका मॉडल नंबर जान लेते हैं क्योंकि फोन लॉक है। तो पहले हमें डाटा केबल जो है कनेक्ट करनी है लैपटॉप पे, कर लिया। इसके बाद ये डाटा केबल यहाँ पे लगा दिया, डाटा केबल लग गई। और इसका मॉडल नंबर है ओप्पो CPS 1801। चलिए हम आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देते हैं दिस पीसी। और यहाँ पे ओप्पो का जो मॉडल लिखा CPS 1801। ओके, अब हम क्या करते हैं यूएमटी डोंगल को जो है लगा लेते हैं। ओके, और यूएमटी डोंगल में हम क्या करेंगे, क्यूसी फायर का जो टूल है इसको जो है ओपन करेंगे। ये क्यूसी फायर का जो टूल है 5.5 इसका वर्जन है, ये ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, रीड एंड टूल्स पे क्लिक करना है, रीड एंड टूल्स पे। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है ब्रांड, ये मॉडल। ओके, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, नीचे आना है, यहाँ पे ओप्पो हमें सिलेक्ट करना है। ओप्पो हमने मॉडल सिलेक्ट कर लिया ब्रांड पे। अब मॉडल नंबर हमें सिलेक्ट करना है, तो ये A71 CPS 1801 यहाँ पे आ रहा है, इसको जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए यहां से। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि यहां पे डाटा केबल निकाल के पहले इस मोबाइल को ऑफ कर लेना है। तो हम इस मोबाइल को कर लेते हैं ऑफ। ओके, ये मोबाइल हो गया ऑफ। अब आपको क्या करना है, इसकी जो वॉल्यूम अप और डाउन वाली जो बटने हैं, ये दोनों बटन, पावर वाले बटन नहीं दबानी है, दोनों को एक साथ दबा के हमें क्या करना है, डाटा केबल जो है कनेक्ट करनी है दोनों को एक साथ। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में एक आवाज भी आई और ये फोन कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइस मैनेजर में जाके चेक करेंगे। तो दिस पीसी मैनेज क्लिक, डिवाइस मैनेजर, और यहाँ पे कॉम पोर्ट की जगह देखो क्वालकॉम HS USB QT लोडर, यहाँ पे ये इसका ड्राइवर जो है सो हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको एक बार निकालते हैं तो देखो ये ड्राइवर यहाँ से आउट हो जाएगा। ये ड्राइवर जो है आपके फोन पे बनना चाहिए कंप्यूटर पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्वालकॉम CPU लगा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली आना है अपने टूल पर क्यूसी फायर के, और यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मेट FS का मतलब होता है फॉर्मेट फाइल सिस्टम। ओके, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फॉर्मेट FS पे। डू यू वॉन्ट टू यूज सेफ फॉर्मेट, यस हम करना चाहते हैं इसको फॉर्मेट। और देखो यहाँ पे जो ये रीडिंग चल रही है, फॉर्मेटिंग यूजर डेटा, नीचे की साइड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और यहाँ पे क्या है, ये फिनिश हो चुका है, फॉर्मेटिंग यूजर डेटा डन। ओके, इस तरीके से आपको जो है फॉर्मेट इसको कर लेना है। अब हमको क्या करना है, डाटा केबल जो है निकालनी है इसकी बाहर,
और उसको ऑन करके चेक करना है। तो ये ऑन हो रहा है और अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे इसका जो है लॉक रिमूव हुआ या फिर नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो जो इसका लॉक है वो रिमूव हो चुका है। ओके, रीसेट फोन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे रीसेट फोन पे क्लिक कर देना। ये फोन है जो है अब जो है हार्ड रीसेट हो जाएगा और इसके बाद अपने आप मतलब कि रीसेट हो जाएगा और आपका जो है फोन अनलॉक हो गया। और अगर आप ऑनलाइन मेरी जो है सॉफ्टवेयर क्लास जो है ज्वाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिकल के साथ, तो आपके पास एक लैपटॉप होना जरूरी है। ठीक है, आप जो है एक डेमो क्लास भी ले सकते हो और आप हमें जो है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिकल रहेगा, सपोर्ट भी है कि आप सीखने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर, मतलब कांटेक्ट है आपका नंबर तो उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अब पर डे हमारी जो सपोर्ट क्लासेज चलती हैं वहां पर जो प्रॉब्लम आती है आपको कि फोन अब हमने सीख तो लिया है लेकिन कोई नया मॉडल का फोन आ गया और उसमें जो है आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस तरीके को किस तरीके से करना है, तो फुल सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा। ठीक है, तो आप अगर आप सीखना चाहते हैं परफेक्ट सॉफ्टवेयर तो फिर आप जो है मेरी ऑनलाइन क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप डेमो क्लास लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हम किस तरीके से सिखाते हैं। ओके, तो ये फोन फॉर्मेट हुआ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये देखो फोन जो है खुल चुका है, कंटिन्यू इसको करते हैं। स्किप का ऑप्शन आ रहा है तो उसमें एफआरपी लॉक जो है नहीं लगा हुआ है, कंटिन्यू और नेक्स्ट एग्री पे क्लिक और इसको स्किप कर देते हैं। सेट ए न्यू फोन, नहीं इंस्टॉल नहीं करने हैं ऐप और गेट स्टार्टेड। तो देखो ये फोन जो है अनलॉक हो चुका है। अब इसमें जो FRP लॉग लगता है तो उसे भी आप रिमूव कर सकते हो या उसके लिए कोड भी होता है, कोड डाल के भी जो है आप इसको FRP हटा सकते हो। वो कोड ये आपके स्क्रीन पे जो है दिख रहा है, इसी कोड को आप डाल के इमरजेंसी डायल पैड पे आपको डालना है ये कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, और इसको आप जो है इसकी FRP सिर्फ कोड डालने से अनलॉक हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे जो अभी चैनल पे जो क्लासेस चल रही है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ऑनलाइन की, प्लीज उनको वॉच करिए। मेरा जो है सेकंड चैनल है उस पर EMMC की क्लास चल रही है ऑनलाइन की, तो प्लीज जाके उस चैनल को विजिट करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और कमेंट में आप हमको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लॉकडाउन के समय अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और अगर आप ऑनलाइन मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग और मोबाइल EMMC कोर्स की रिपेयरिंग या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास से लगता है कि आप जो है सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, तभी आप मेरा इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके?